संखेणानी जनता जनार्दन ने मारा नमस्कार। इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती गीताबेन राठवा जी, संकेणा विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में गुजरात विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अभय सिंह भाई तड़वी जी, श्री राम सिंह राठवा जी, उपेंद्र भाई राठवा जी, जिकी सावेन सेठ जी, धर्मेंद्र सिंह परमार जी, श्रीमती मलकाबेन भाविनाबेन पटेल जी, प्रोफेसर शंकर भाई विछिया भाई राठवा जी, श्री राजू भाई शाह जी, श्री संजय भाई देसाई जी, राजू भाई राठवा जी, श्रीमती शारदाबेन राठवा जी, श्री रश्मिकांत भाई बासवा जी, जसु भाई भीलू भाई राठवा जी, मेहुल कुमार हर्षद भाई पटेल जी, गणेश मिश्राजी जी, चेतन भाई मेवासी जी, श्रीमती कोमल बेन डोबेल जी, श्री शशिकांत भाई पटेल जी और छोटा उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं गुजरात की इस धरती को नमन करता हूं जिस धरती ने कभी उत्तर प्रदेश की मथुरा से यहां पर पधारे भगवान श्री कृष्ण को अपना पावन धाम द्वारिका को बसाने का एक अवसर दिया था। जिस धरती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ और भारत की आजादी की लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ी गई, जिस धरती पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए और भारत की 563 से अधिक रियासतों को एकजुट करके वर्तमान भारत के इस विराट गणराज्य को बनाने में जिनकी महती भूमिका थी, मैं इस धरती को नमन करता हूं जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को दिया है, जिनके नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, बिना भेदभाव के भारत के प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार प्राप्त हो रहा है। हम अभिनंदन करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी वनवासी परिवार की एक महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद पर बिठा करके भारत के हर वनवासी गिरिवासी और उन बंधु बांधवों का सम्मान बढ़ाया है जिन्होंने कभी भगवान श्री राम की सेना में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना का संकनाद किया था। मैं अभिनंदन करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके दृढ़ इच्छा शक्ति और जिनके विजन के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गुजरात की धरती है भाइयों बहनों, अगर 1947 में भारत के सभी गणराज्यों को एकीकरण करने में इसी माटी के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया,
तो सन 2019 में कश्मीर से आतंकवाद की पर्याय बनी धारा 370 को हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इसी धरती माटी के सपूत भारत के लोकप्रिय और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया है। भाइयों बहनों, आतंकवाद की ताबूत पर वह अंतिम कील है और आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हमेशा के लिए होगा। भाइयों बहनों, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर भारत का, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत का दुनिया का पांचवीं अर्थव्यवस्था बनना, यह आर्थिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वित्तीय प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आज हरेक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और खासतौर पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक तबके को मिलना, वो भारत का किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। हम विकास कराएंगे सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। यह आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी संकल्प को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और मैं भी आज आपके बीच इसी संकल्प के साथ आया हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा तमाम दल आते हैं, चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो संकट के समय आपका साथी है वही आपका सच्चा साथी है। और संकट के समय में आपने देखा होगा इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी आई थी। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब परिवार को, हर वनवासी परिवार को, हर अनुसूचित जाति के परिवार को, देश के अंदर 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, फ्री में वैक्सीन देने का काम भी किया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भाइयों बहनों राशन का पैसा भी खा जाते और वैक्सीन का पैसा भी सब खा जाते, किसी गरीब को नहीं मिलता। आज तो हर गरीब को आवास उपलब्ध हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। आज हर गरीब को हर घर नल की योजना का लाभ मिल रहा है। आज हर गरीब के घर में बिजली का लट्टू जल रहा है। आज हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है और वन बंधु कार्यक्रम के अंतर्गत हर वनवासी बंधु को, जनजातीय बंधु को शासन की योजना के साथ जोड़ करके आज लाखों करोड़ रुपए उनके उन्नयन के लिए गुजरात के अंदर भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रही है। आज भाइयों बहनों, गुजरात के अंदर निराश्रित महिला पेंशन, विधवा महिला पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ हो, दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन की सुविधा का लाभ हो, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। और यही नहीं, एक ओर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, देश के राष्ट्रपति के पद पर एक वनवासी और जनजातीय परिवार से जुड़ी हुई
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बना करके भारत का गौरव बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो दूसरी तरफ गुजरात के अंदर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला का एक नया हिस्सा है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं। मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 को हटा पाती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? और क्या कांग्रेस सरदार साहब का जो सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है गुजरात में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, क्या कांग्रेस बना पाती? कांग्रेस ने तो सरदार साहब को भी सम्मान नहीं दिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ है। आज जनजातीय बंधुओं को छात्रावास की सुविधा हो, स्कॉलरशिप की सुविधा हो, इन सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ अगर कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार दे रही है। दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात के अंदर श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जब चलेगी तो बुलेट ट्रेन के रूप में विकास के कार्यों को भी लेकर आगे बढ़ती है, और बुलेट ट्रेन की तर्ज पर ही विकास का कार्य होना चाहिए। ये विकास हम सबके जीवन का आधार बनेगा और इसीलिए आज मैं आपके बीच कहने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, गुजरात में क्या होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले, मुख्यमंत्री बनने के पहले गुजरात में क्या होता था? दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, गुंडागर्दी चरम पर थी, अराजकता फैलाने का कार्य होता था, लूट खसोट थी। पिछले 20 वर्षों के अंदर गुजरात में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, गुजरात विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, सुरक्षा का एक मॉडल दे रहा है, विकास का एक मॉडल दे रहा है, लोक कल्याण का एक मॉडल दे रहा है, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा दे रहा है, अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, महिलाओं के लिए स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत का एक नया गुजरात है और इसीलिए तो हर गुजराती कह पड़ता है जय जय गरवी गुजरात। और भाइयों बहनों, ये तब सार्थक होगा जब सातवीं बार भी कमल चुनाव चिन्ह की सरकार गुजरात के अंदर बनेगी। आप सभी से अभय सिंह भाई तडवी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पे वोट देंगे। सो आप बधा भाजपा ने भव्य जीत आप सो हाथ ऊंचा करने समर्थन आप हो। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। आदरणीय अभिजीत जी,